हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक बाय कोमल। आज हम बनाने जा रहे हैं ये छोटे से और क्यूट से दिखने वाले स्मॉल बास्केट केक्स। और ये केक जो हम बना रहे हैं वो हम बिना मिल्क मेड के बना रहे हैं और ये एगलेस भी है। तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ बनाते हैं ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक। तो केक बनाने के लिए, इस केक स्पंज के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाना लिया है। बनाना हमारा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है। 200 ग्राम्स मैंने यहाँ पर बनाना को चॉप कर लिया है और ये 200 ग्राम बनाना है चॉप किया हुआ। और इसे मैं ग्राइंडर जार में पीस लूँगी। यहाँ पर एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1/4 कप ऑयल, मीन्स इसका 50 ml हमने ऑयल लिया है। अब उसमें ये जो हमारा 200 ग्राम्स हमने बनाना लिया था 1 कप, उसको डालकर मिक्स कर लूँगी। ये मैश्ड बनाना है। हल्का सा बस एक दो बार घुमा दिया हमने मिक्सचर जार को और ये इस तरीके से ब्लेंड हो गया है। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये बनाना जो है ये एग की कमी को पूरा करता है केक स्पंज में और बहुत ही स्पंजी बनाता है हमारे केक को। सॉफ्ट भी बहुत बनता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना से बनाइए सॉफ्ट एंड स्पंजी केक। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम्स ऑफ पाउडर शुगर, 1/2 कप पाउडर शुगर। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल एंड बनाना के साथ में। तो ये हमारा इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसे साइड रख देते हैं। और एक बाउल में मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर लिया है। अब यहाँ पर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे। 200 ग्राम्स मैंने यहाँ पर लिया है मैदा, 1 कप मैदा। उसके साथ में हम लेंगे बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम स्ट्रेन कर लेंगे। और स्ट्रेन करना ज़रूरी है, स्ट्रेन करने से भी केक स्पंज में बहुत इफ़ेक्ट आता है। तो स्ट्रेन करके ही आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ कीजिए। इसके बाद ये मैंने ये थोड़ा थोड़ा सा मैं ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करती जाऊँगी हमारे बैटर में और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बैटर थिक होता जाएगा तो इसके साथ में हम मिल्क यूज़ करेंगे उसको थोड़ा पतला करने के लिए। तो साथ साथ में दूध भी ऐड करते जाना है और ड्राई इंग्रेडिएंट भी ऐड करते जाना है। दूध से जो फ्लेवर होता है केक का बहुत अच्छा आता है, तो वाटर की जगह प्रेफर कीजिएगा, मिल्क ही लीजिए। और ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट का लास्ट पोर्शन है, ये भी डालकर मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बैटर थोड़ा सा थिक हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप विस्क या स्पैचुला किसकी हेल्प से भी कर सकते हैं मिक्स से। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का। अब इसमें हम डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। ओके, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम इस तरीके की होनी चाहिए बैटर की, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ बेक करते टाइम वो फूलेगा और बाद में वो फिर से बैठ जाएगा केक। तो आज मैं आपको कढ़ाई में केक बेक करना दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने नमक लिया है, नमक पहले यूज़ किया हुआ है, दैट्स वाई थोड़ा सा ब्लैक है। तो कढ़ाई में नमक डाल के इस तरीके का रिंग स्टैंड लिया है हाइट बढ़ाने के लिए। आपके पास जो स्टैंड हो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो इडली के ओवन में प्लेट आती है वो यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी एल्यूमिनियम ट्रे ले लीजिए। और इसको ढक्कन लगाकर अब हम प्री हीट करेंगे हमारी कढ़ाई को 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। तो जब तक हमारा बैटर रेडी है, अब इसे टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे केक मोल्ड्स में। तो यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम के छोटे केक मोल्ड्स ले रही हूँ, कपकेक मोल्ड्स। इन्हें पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, बट मैं इस पर ऑयल ग्रीस करके मैदा डस्क कर रही हूँ। इस तरीके से ये मैंने सारे एल्यूमिनियम के मोल्ड्स जो हैं प्रिपेयर कर लिए हैं ऑयल एंड मैदा लगा के। अब हम इसमें डालेंगे ये हमारा केक बैटर। तो ये केक बैटर केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 2 हम वनीला फ्लेवर के बना रहे हैं और 2 चॉकलेट फ्लेवर्स के बनाएंगे। तो बाकी का जो हमारा बैटर है उसमें हम डाल देंगे कोको पाउडर चॉकलेट फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेन कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, और कोको पाउडर से थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, तो उसके लिए मैं 1 चम्मच पाउडर शुगर का भी यूज़ कर रही हूँ। दोनों को स्ट्रेन करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी देखिए मैंने छान के ही लिया है कोको पाउडर एंड पाउडर शुगर।
तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो बाकी के हमारे दोनों मोल्स हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन बैटर थोड़ा थिक हो जाता है कोको पाउडर डालने से, तो एक चम्मच दूध का भी यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। तो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं केक मोल्ड में, और जो बचा हुआ है उसको मैं दूसरे केक मोल्ड में डालकर, छोटे कपकेक मोल्ड में डालकर मैं उसके दूसरे भी केक बना लूँगी। तो अभी मैं आपको ये चार कपकेक्स दिखा रही हूँ। ये हमारा कपकेक मोल्ड ट्रांसफ़र हो गया ये कढ़ाई पर, बट केक मोल्ड को इस तरीके से टैप करके ही प्लेट पर रखिएगा। टैप करने से एयर बबल्स टूट जाते हैं, तो दो तीन बार टैप करके ही आप ट्रांसफ़र कीजिए उसको कढ़ाई में। और इसे पैक कर देंगे 20 से 25 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। 25 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं हमारे केक पैक हुए या नहीं। ओके, बहुत अच्छे से पैक हो चुका है, ये बिल्कुल डबल हो चुका है। और ये देखिए, टूथपिक डालने से इस पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी नहीं आ रहा है, तो हमारे केक पैक हो चुके हैं। ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम ऑफ कर देंगे, हम 5 मिनट अंदर ही रहने देंगे। और जब तक हमारे केक ठंडे होते हैं, तब तक हम यहाँ पर स्टिक बना लेते हैं चॉकलेट की। तो हमारी बास्केट पर लगाने के लिए हम चॉकलेट की स्टिक बना रहे हैं। ये मैंने वही कपकेक मोल्ड लिया है, अब इस मोल्ड पर ही इसका हम चारों तरफ चॉकलेट लगाएंगे हाफ पार्ट पर। मेजर करने के लिए ये कपकेक मोल्ड ही मैं ले रही हूँ इसलिए, ताकि इसके ऊपर बास्केट पर प्रॉपर शेप एंड प्रॉपर साइज़ की हमारी चॉकलेट की स्टिक बने। तो ये मैं इस तरीके से चॉकलेट लगा लेती हूँ, और ये थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। अब हम बिल्कुल स्लोली ये मोल्ड को हटा देंगे, नहीं तो चॉकलेट इस पर चिपक जाएगा जमने के बाद। तो ये हटा दिया, ये हमारी देखिए डंडी बन गई है ऊपर की बास्केट की। इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ 20 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं, ये देखिए हमारी चॉकलेट स्टिक रेडी है, और कितना इजीली पॉलीथीन से आ जा रही है बाहर। आप चाहें तो बटर पेपर पे भी बना सकते हैं ये चॉकलेट स्टिक। इसी तरीके से मैं यहाँ पर राउंड शेप की चॉकलेट बना रही हूँ, चॉकलेट डिस्क, लाइक चॉकलेट डिस्क। तो राउंड शेप की चॉकलेट के लिए भी मेल्ट चॉकलेट को मैंने राउंड शेप में लगा दिया है, और इसे जमाने रख दिया है फ्रीज़र में। तो ये हमारे केक ठंडे हो चुके हैं कपकेक्स। इसे बस इस तरीके से उल्टा करके टैप कीजिए, और ये बिल्कुल इजीली बाहर आ गया। ये देखिए कितना स्पंजी बना है केक, और बहुत ही इजीली बाहर आ गया है, बहुत ही इजीली डीमोल्ट हो चुका है केक। तो अब हम इस पर आइसिंग करते हैं जब तक हमारी चॉकलेट जम जाए पूरी तरीके से। यहाँ पर ये वनीला वाला केक स्पंज लिया है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा क्रीम पहले नीचे लगा लिया है, आप ये देख सकते हैं जाली कितनी अच्छी जाली बनी है, बहुत ही स्पंजी केक बना है। तो ये नीचे वाला पार्ट पहले रख कर उसके ऊपर पहले वाटर स्प्रे कर लेते हैं, ताकि मॉइस्चर बना रहे हमारे केक में। अब उसके बाद हम इस पर लगाएंगे क्रीम, व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि व्हिप्ड क्रीम कैसे बनाई जाती है घर पर ईजीली। और ऊपर से ये चोको चिप्स टेस्ट के लिए। अब ये जो है मैंने चॉकलेट वाले कपकेक का पार्ट लिया है, बीच में मैं चॉकलेट वाला कपकेक लगा रही हूँ, ताकि अच्छी हाइट मिले हमारे केक को। 3 पार्ट्स लगाऊंगी मैं केक के, और इसके ऊपर फिर से वाटर स्प्रे करके व्हिप्ड क्रीम एंड चोको चिप्स, और उसके ऊपर ये ऊपर वाला वनीला वाला पार्ट केक का। तो इसे भी वाटर स्प्रे करके और पूरा क्रीम से कवर कर देंगे। मैं 3 लेयर्स लगा रही हूँ, हमारा केक मोल छोटा था तो उसमें से 2 लेयर ही निकल पाई है। तो 1 लेयर में दूसरे कपकेक की लगाई है बीच में चॉकलेट की, चॉकलेट फ्लेवर की। तो चॉकलेट और वनीला दोनों फ्लेवर मिल जाएंगे हमारे केक को, और अच्छा भी लगेगा जब हम इसे कट करेंगे, तो बीच में से चॉकलेट की लेयर आएगी, ऊपर से वनीला की। तो ये देखिए ये हमारा केक अच्छे से कवर हो चुका है व्हिप्ड क्रीम से। तो इसे रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए, और बाकी के कपकेक्स भी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 कपकेक्स हमारे रेडी हुए हैं क्रीम से, हुए तो 4 थे, एक मैंने कन्वेक्शन पे भी किया था, 5 कपकेक्स हुए थे, बट बीच बीच में हमने एक्स्ट्रा लेयर भी यूज़ की है, तो 3 क्रीम से कवर किए हैं। तो ये देखिए इस तरीके के नोज़ल हम ले रहे हैं बास्केट टाइप की डिज़ाइनिंग करने के लिए, और इस तरीके से आपको डिज़ाइनिंग करना है। ये इस तरीके से स्लिपिंग मोड में लाइंस बनानी है क्रीम की, देन अगेन स्टैंडिंग, और जो बीच का पोर्शन खाली है फिर वहाँ पर कवर करना है इस तरीके से ऊपर की तरफ से। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ ये डिज़ाइनिंग फिर से। ये इस तरीके से हमें डिज़ाइन बनानी है बास्केट टाइप की डिज़ाइनिंग करने के लिए, हमें इस तरीके से फॉलो करना है। और ये हमारा बास्केट लुक का कपकेक रेडी हो गया है। तो इस पर मैं डाल रही हूँ ये चॉकलेट शॉर्ट्स, ये शॉर्ट्स मैं ऊपर पूरा चॉकलेट से कवर करूँगी। तो मेरे पास पर्क हैं एंड ये शॉर्ट्स है डेरी मिल्क शॉर्ट्स, तो इससे पूरा ये कवर कर लिया है।
मैंने अपने केक को। अब ये हमारे पास जो हमने चॉकलेट की स्टिक बनाई थी ऊपर बास्केट के लिए, तो वो लगा देते हैं इसके ऊपर। आप चाहें तो इसे ऐसे ही भी रख सकते हैं, बट मैं इसे क्रीम से कवर कर रही हूँ। इट्स टोटली योर चॉइस। तो इसे क्रीम से कवर कर लेंगे। आप चाहें तो पहले क्रीम से कवर करके फिर इसके ऊपर लगा दीजिए। तो अब हम दूसरा वाला केक भी इस तरीके से कवर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं वाइट कलर की क्रीम ले रही हूँ, व्हिप्ड क्रीम, उससे डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। एक हमारा पिंक कलर का बास्केट बन जाएगा और एक वाइट कलर का। सेम डिज़ाइनिंग करनी है बास्केट की। तो इस तरीके से पूरे केक को हम कवर कर लेंगे। तो ये केक हमारा कवर हो चुका है। इस तरीके से हमने पूरा बास्केट लुक दे दिया है हमारे केक को। और ऊपर की साइड से भी हम थोड़ी डिज़ाइनिंग कर देंगे, ऊपर की साइड से भी कवर कर देंगे थोड़ी एक लेयर से, ताकि ये अच्छा दिखे थोड़ा। तो ये हमारे दोनों केक रेडी हैं। थोड़े से मैसी हैं, अभी हम इन्हें क्लीन लुक करेंगे, इन्हें क्लीन करेंगे। तो पहले मैं पिंक कलर की व्हिप्ड क्रीम से स्टार नोज़ल लेकर इस पर फ्लावर्स बना दूँगी, थोड़े छोटे थोड़े से बड़े फ्लावर्स। ये इस तरीके से उस पर चोको चिप्स भी लगा दी है मैंने। और ये जो हमारा जो बास्केट था उस पर थोड़ा सा क्रीम का फाइनल टच देना था, तो इसे इस तरीके से एकदम क्लीन लुक दे देंगे हमारे व्हिप्ड क्रीम से। और ये जो ऊपर मैंने चॉकलेट की डिस्क लगाई है दूसरे वाले वाइट वाले बास्केट पर, उस पर हमने क्रीम लगा दी है व्हिप्ड क्रीम पिंक कलर की, उस पर चोको चिप्स लगा दी है। तो ये हमारे सुंदर से दिखने वाले बास्केट केक बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।